ब्लिंक मत करो। This is Pooja. Welcome back to my channel and welcome to a new vlog. आज है Tuesday. कल मंडे मैंने कोई व्लॉग नहीं किया था. It was my rest day. I badly needed that rest. और आज Tuesday है. आज मैं व्लॉग कर रही हूँ. And so चलिए without wasting any time, let's start the day because बहुत सारे काम हैं आज. So शुरू करते हैं आज का दिन. ओह हाँ, बाय द वे ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है एंड लंच की प्रिपरेशन से पहले मैंने सोचा थोड़े काम निपटा लूँ, उसके बाद तसल्ली से आज लंच करेंगे. मुझे जो आज की लंच की रेसिपी है वो इंस्टाग्राम के लिए शूट भी करनी है और मैं थोड़े आराम से शूट करना चाहती हूँ, ना कि हड़बड़ी में, विच इज़ वाई आई थॉट अभी स्मूदी पी लेते हैं. ब्रेकफास्ट किए हुए तो हमें बहुत टाइम हो गया है. अभी स्मूदी पी है हमने, सेम स्मूदी जिसकी रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की है, बनाना एंड ब्लूबेरी स्मूदी, वो पी है. एंड लंच के पहले मैं थोड़े काम निपटा लेती हूँ एंड देन आई विल टेक यू फॉर द लंच प्रिपरेशन. सो चलिए चलते हैं. ये देखिए फिलहाल तो ये मेस है यहाँ पे. मैंने बालकनी क्लीन करनी है मुझे, इसलिए सारा सामान यहाँ आ गया है. बालकनी क्लीन करूँगी, प्लांट्स को आई विल गिव देम अ शावर एंड उसके बाद रीअरेंज करूँगी सब कुछ. और ये स्टैंड जो पहले रखती थी फिर मैंने हटा लिया था, अब वापस मुझे फिट करना है टू ड्राई टॉल्स एक्सेट्रा बिकॉज देर इज नो अदर प्लेस इन द हाउस वेयर वी कैन ड्राई देम. सो इसको वापस बैल्कनी में फिट करना है, आई मीन जगह बनानी है. सो लेट सी वॉट आई कैन डू इन द स्मॉल लिटिल बैल्कनी. सो यहाँ मेरी हाउस हेल्प मेरी हेल्प कर रही है टू क्लीन द बैल्कनी. देखिए मेरी मम्मा ब्रश के साथ डोर क्लीन कर रही है. देखिए गाइस कितना गंदा था और अब कितना साफ हो रहा है. सो यस फ्रेंड्स, हो गई है मेरे बालकनी क्लीन कर दिया है मैंने. आधे से ज़्यादा प्लांट्स मैंने नीचे भेज दिए बिकॉज यहाँ मेरी बालकनी बहुत छोटी सी है और उसमें अगर मुझे स्टैंड रखना है मेरे कपड़े सुखाने का तो मुझे आधे से ज़्यादा प्लांट्स नीचे भेजने पड़े जगह बनाने के लिए. सो आई डिड दैट. सो सिर्फ जो ज़रूरी ज़रूरी प्लांट्स हैं जैसे तुलसी या जो मिर्ची मैंने उगाई थी, मिर्ची ग्रो हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो वो मैंने ऊपर रखे हैं, बाकी मैंने सारे नीचे भेज दिए हैं. सो बस अब नहाने जाऊंगी एंड नहा के आके आई विल सी इफ आई हैव द मूड एंड एनर्जी टू शूट माय वीडियो. शूट करनी है बट मन नहीं हो रहा है अभी बिकॉज हालत ऐसी हो गई है. तो पहले नहा के आऊँगी और फिर अगर मन रहा तो वीडियो शूट करूँगी, अदरवाइज फटाफट ऐसे ही बना के हम खा लेंगे. सो चलो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नहाने के बाद आप सबसे. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. दिस इज़ द नेक्स्ट डे और कल हुआ ये व्हेन आई सेड आई विल हैव माय शावर एंड सी यू ड्यूरिंग द लंच टाइम व्हाइल आई एम शूटिंग फॉर माय इंस्टाग्राम. मेरी हो गई बहुत ज़्यादा तबीयत खराब कल, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी. आई डोंट नो, मेरे ना टो नेल में इन्फेक्शन हो गया था जिसकी वजह से मेरे पूरे पैर में दर्द था एंड देन वो दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया दैट आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी फीवरिश. तो बस मैंने फटाफट से धीर को लंच, बच्चों को लंच कराया, आई मीन परी तो बाद में स्कूल से आई, पहले धीर को कराया, खुद किया एंड मैं सो गई. परी को लंच, परी आने के बाद खुद ही उसने अपना लंच ले लिया था एंड देन आई स्लेप्ट. और उसके बाद जब मैं उठी मैंने चाय पी, थोड़ा अपना इंस्टाग्राम का काम किया एंड ब्लॉगिंग करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी मेरे में, विच इज़ वाई आई एम ब्लॉगिंग द नेक्स्ट डे. टुडे इज़ आज क्या, आज वेडनेसडे है या आज वेडनेसडे है. तो चलिए शुरू करते हैं अपना व्लॉग. यहाँ चल रही है ब्रेकफास्ट और लंच की प्रिपरेशंस और ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं किनुआ कबाब. इसकी रेसिपी मैंने अपनी वीडियो में, यूट्यूब वीडियो में शेयर की है, आप चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड कर दूँगी. और लंच में बन रहे हैं बिसीविल्ला भात जो कि इज़ नथिंग बट सांभर राइस, बट राइस और दाल साथ में पकाए जाते हैं. यहाँ पे बन रही है कैरेट बीन्स की पोरियल जो कि राइस के साथ खाई जाती है, साउथ इंडियन रेसिपी है. एंड द वाइट इंग्रेडिएंट दैट यू आर सीइंग इज नथिंग बट कोकोनट, ग्रेटेड कोकोनट है. और यहाँ पे चल रही है ग्रेवी की तैयारी जिसमें कि मैंने ऑयल में सांबार अनियंस और वेजिटेबल्स सॉटे किए हैं विद ऑल द मसाला जो हम सांबार में ऐड करते हैं
एंड देन इमली का पल्प डाल के ग्रेवी रेडी हो जाएगी और जो दाल और राइस हमने साथ में कुक किए हैं वो इसमें मिला देंगे. एंड इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ऐड द बिस्मिल्लाह मसाला एक्सेट्रा. मैं नहीं डालती हूँ, मैं सिंपल ऐसे ही रखती हूँ और ये बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में. साइड में दाल और राइस साथ में प्रेशर कुक कर लिए हैं और इसका जो टेक्सचर है वो हमें यही रखना है, हमें इसको मैश नहीं करना है. सेम टेक्सचर के साथ हमें इसको उस ग्रेवी में मिक्स कर देना है एंड देन फाइनली एड इन सम घी. और ये सच में बहुत टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स विद पोरियल. ये ज़्यादा अच्छे आलू फ्राई के साथ लगते हैं, आलू फ्राई, ये वाले राइस एंड अपलम. हेलो गाइस, आज खाने में बना है बिस्मिल्लाह बाद और कैरेट बीन्स की पोरियल. और यूजुअली मुझे चावल इतने अच्छे नहीं लगते हैं बट दिस टाइम इतने टेस्टी बने हैं दैट आई एम एंजॉयिंग माय मील. अभी मैंने ख़त्म नहीं किया, आई एम स्टिल ईटिंग बट इट्स सो गुड गाइस. लेट मी गिव यू अ लुक. देखिए यमी यमी बिस्मिल्लाह बाद विद सो मेनी वेजिटेबल्स, कैरेट बीन्स की पोरियल, अपलम एंड मामा एंड धीर हु आर ईटिंग. ओके गाइज, विल सी यू आफ्टर ईटिंग, बाय बाय. हाय गाइज, लंच के बाद अभी मिल रहे हैं, बज रहे हैं 5:30, 5:30 इन द इवनिंग. एंड इस बीच लंच के बाद थोड़ी देर तो रिलैक्स किया, बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था बिकॉज आई थिंक लंच काफ़ी हैवी हो गया था, लालच में ज़्यादा खा लिया बिकॉज आई मेड इट आफ्टर मेनी मेनी डेज. और उसके बाद बस ऐसे ही थोड़ा बहुत घर का काम निपटाया एंड नाउ आई एम रेडी बिकॉज आई एम गोइंग आउट विद विपुल. एंड कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, ये सब मैं आपको बाद में बताती हूँ. फिलहाल लेट्स लीव फ्रॉम होम एंड देन आई विल सी यू गाइज ऑन द वे और आफ्टर रीचिंग देयर. सो सी यू इन अ व्हाइल, स्टे ट्यून्ड. पढ़ो उस गाड़ी का नंबर. So ये चल रहा था विपुल का आई टेस्ट. इसका पढ़ो नंबर 1354, पूरा नंबर पढ़ो ना, TN54F1354. ओके, पास का दिख रहा है. सो हम जा रहे हैं विपुल के लिए दृष्टि लेने, आंखें लेने, बेसिकली विपुल का आई टेस्ट करवा के और ग्लासेस का फ्रेम सेलेक्ट करने जा रहे हैं. दिस वाज अ वर्क दैट इज पेंडिंग फ्रॉम अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम और फाइनली आज हम जा रहे हैं टू कंप्लीट दिस वर्क. फ्रेम ऑर्डर दे आएंगे एंड एक्चुअली विपुल वाज डिपेंडेंट ऑन मी बिकॉज ही सेड कि यू कम अलोंग एंड फ्रेम पसंद कर लो, अदर बाकी तो कोई काम नहीं है, मेन तो फ्रेम पसंद करने का काम है. सो ही वाज डिपेंडेंट ऑन मी एंड वो काम फिर टलता गया. फाइनली आज हम करने जा रहे हैं एंड होपफुली ही वी विल फाइनलाइज इट टुडे एंड ही विल वेरी सून हैव अ क्लियर विजन. नो ही विल आंखें, अ क्लियर विजन रादर. सो या चलो चलते हैं. लंबा टेस्ट चला एंड टेक्नोलॉजी, आई मीन टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो गई है दैट थिंग्स आर सो इजी एंड बेटर नाउ. एंड अब चल रहा है रीडिंग टेस्ट, उसके बाद बताया जाएगा कि एग्जैक्टली पावर क्या है और कौन सा पावर है. बोलो 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 बोलो. हंसो
सो यस गाइस, पावर तो चेक हो गया है लेकिन फ्रेम नहीं पसंद आया। जो पसंद आया उन्होंने कहा कि जो पावर है वो उस फ्रेम में बन नहीं सकता है, सो विच इज़ वाई वी थॉट ओके कहीं और देखते हैं। अगर नहीं मिला कोई फ्रेम ढंग का तो वी विल कम बैक हियर एंड फाइनलाइज। सो अभी के लिए वी लेफ्ट फ्रॉम हियर एंड यहाँ पास में एक अनदर स्टोर है ओडीसी, आई एम जस्ट गोइंग देयर, बस एक नज़र मारना है मुझे जस्ट टू सी देयर दिवाली कलेक्शन, उसके बाद घर चले जाएंगे। सो लेट्स गो टू ओडीसी नाउ। होपलेस कुछ भी नहीं था। यूजुअली कुछ ना कुछ दिवाली पे अच्छा मिल जाता है बट इस बार तो कुछ भी नहीं था और दुकान भी खाली पड़ी थी, कोई भी नहीं था हमारे अलावा, मुझे तो कोई दिखा नहीं। जब हम निकल रहे थे तब दो कस्टमर्स घुस रहे थे, अदरवाइज ओनली द सेल्स गर्ल्स एंड सेल्स बॉयज वर देयर, और कुछ खास कलेक्शन भी नहीं था। बस अब वी लेफ्ट एंड वी आर गोइंग होम, अब घर जाके मिलते हैं आपसे। Hi friends, I was back home long ago and after reaching home, I was just relaxing for some time and then we had dinner, changed and then I was on a con call for a collab basically. I finished that and then I thought I have to end this vlog as well. So I came back to vlog and that's it. I'm here to just say bye. I'm ending this vlog here. And if you like watching my video, please consider to subscribe my channel and don't forget to follow me on Instagram. Matin Ladle is my account. And if you're really liking my videos, then please share it with your friends and family. And yeah, that's it. I'm ending this vlog here. See you tomorrow on a new day with a new vlog. Until then, take care. Bye-bye.